इन दिनों महाराष्ट्र में बेमौसम बारिश और बदलते मौसम के कारण फसलों पर कीट और बीमारियों का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते किसानों को लाखों का नुकसान हो रहा है। महाराष्ट्र में न सिर्फ कपास बल्कि तुअर और अंगूर सहित कई अन्य फसलें भी कीटों के कारण खराब हो रही हैं। इस पर किसानों का कहना है कि दवाइयों के छिड़काव के बावजूद भी फसलें बर्बाद हो रही हैं। कभी तेज धूप तो कभी बेमौसम बारिश के कारण इन कीटों का प्रकोप ज्यादा होता गया है। मौसम कीटों के अनुकूल है। प्रदेश में कपास का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला क्षेत्र खानदेश में भी कपास पर बड़े पैमाने पर गुलाबी बॉन्ड का प्रकोप देखा जा रहा है। वहीं चंद्रपुर जिले के किसानों का कहना यही है कि बहुत उम्मीद के साथ कपास की उन्होंने खेती करी थी, लेकिन इस साल कुदरत ने कुछ अजीब सा ही कहर बरपाया है। पहले भारी बारिश फिर रबी सीजन में बेमौसम बारिश की वजह से आज उन किसानों की फसलें खराब हो रही हैं। इससे काफी आर्थिक नुकसान भी हो चुका है। चंद्रपुर जिले में प्रमुख रूप से कपास की पैदावार की जाती है। इसका एक ये भी कारण है कि कपास और सोयाबीन को नकदी फसल के रूप में लेते हैं, इसलिए जिले में किसान कपास की ज्यादा खेती करते हैं। किसानों का कहना है कि कभी बारिश कभी सूखा तो कभी कीटों की वजह से खेती घाटे का सौदा होती जा रही है। किसान ने यह भी कहा कि फसल को बचाने के लिए कीटनाशक का छिड़काव किया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ, जिसके बाद हताश होकर पूरी फसल नष्ट करना पड़ रही है। वहीं महाराष्ट्र के जलगांव में भी रुक रुक कर हो रही बारिश की वजह से किसान काफी ज्यादा परेशान है, क्योंकि बदलते मौसम के कारण कपास की फसलों पर पिंक बॉन्ड लार्वा का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। कृषि विभाग ने रिपोर्ट सौंपी है कि जिले में 5,39,000 हेक्टेयर क्षेत्र में कपास की फसल गुलाबी बॉन्ड लार्वा से घिरी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।